अम्बाला कैंट में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर पिकअप गाड़ी और बाइक में हुई टक्कर में बाइक सवार तीन युवकों में से दो की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक अग्निवीर का पेपर देने जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक मोटरसाइकिल पर थे और मोटरसाइकिल से पिकअप गाड़ी की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में तीसरा युवक बुरी तरह से घायल हो गया जिसका इलाज अम्बाला कैंट सिविल अस्पताल में चल रहा है। सूचना आई थी हमारे पास करीब आधा घंटा पहले, एक पिकअप गाड़ी का और एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। बाइक पे तीन सवार थे, पिकअप के साथ एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक की तो मौके पे ही डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। दूसरे जो दो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, उसमें एक की दोबारा हॉस्पिटल में जाने के बाद एक की भी मौत हो गई है। मतलब इस एक्सीडेंट में दो एक्सपायर हो गए हैं। एक मृतक है प्रवीण कुमार, ये रहने वाला है चरखी धाबरी का, और एक मृतक है मोहम्मद आमिर, ये ससुरौली थाना पड़ता है, इसका गांव जैतपुर जिला यमुनानगर। ये तीनों ही यहाँ पे आई जोन सेंटर है, जीटी रोड पे ही है, नज़दीक जीटी रोड पे, वहाँ पे अग्निवीर परीक्षा देने आए थे तीनों। तो जो मोहम्मद अमीर है वो अपने एक दोस्त के साथ था जिला यमुनानगर से, तो वहाँ से एग्जाम खत्म होने के बाद ये प्रवीण उनके साथ लिफ्ट लेके बैठ गया था, तो आते हुए रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। सर महिंद्रा पिकअप वाला अरेस्ट कर लिया गया? महिंद्रा पिकअप हमारे पास है और इसमें जो अभी मृतक हैं और जो इंजर्ड है वहाँ पे हमारी टीम गई हुई है, उनकी स्टेटमेंट लेके हम FIR रजिस्टर करके जो भी इसमें लीगल प्रोसीडिंग है वो करेंगे। वहीं प्रत्यक्षदर्शी युवक ने बताया कि ये युवक अग्निवीर का पेपर देने आए थे। ये तीन युवक खड़े हुए थे, इसी दौरान पीछे से आई पिकअप गाड़ी ने इन्हें टक्कर मार दी। ये लड़के वहाँ खड़े थे, पीछे से पिकअप वाला आ रहा था, उसने टक्कर मारी, वो आगे चली गई मोटरसाइकिल, पेपर देने जा रहे थे अग्निवीर का, और ये एक्सीडेंट में मर गए। दो मौत हो गई इनकी लड़कों की। कितने जने थे ये लोग? ये तीन लड़के थे जी। कहाँ के हैं कुछ पता लग पाया? एक तो ये कोट के हैं, दो कोट के हैं, एक का पता नहीं, एक को कैंट से लिफ्ट दी थी उन्होंने। खड़ी हुई बाइक को पीछे से आ रही पिकअप गाड़ी के टक्कर मारने से हुए इस दर्दनाक हादसे में दो घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए, तो वहीं तीसरा युवक घायल है और अस्पताल में भर्ती है। मामले में पुलिस की जांच जारी है और आगे की बनती कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।